देख रहे हैं हिमाचल प्रेस खबर। जिला चंबा के उपमंडल सलोनी की भलेई संपर्क सड़क मार्ग पर रविवार सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी अनुसार कार में कुल 4 लोग सवार थे। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया है। मृतक जम्मू कश्मीर राज्य के रहने वाले बताए गए हैं, जो कि ठेकेदार के पास लेबर के तौर पर काम करते थे। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। उधर नायब तहसीलदार भलेई डीसी राणा ने कार दुर्घटना में 3 लोगों के मारे जाने और एक के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बताया गया है कि यह लोग किसी ठेकेदार के पास लेबर का काम करते थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के तौर पर 10,000 की राशि प्रदान कर दी गई है। उसमें J&K स्टेट के पुंछ एरिया के 4 बंदे जो सवार थे, जिनमें 3 बंदों की मौके पर ही डेथ हो गई है और एक घायल हुए। इसमें गुलाम नबी, ये भी गांव बेलाबाला डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू से हैं। इनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया है। मृतकों में 3 बंदे हैं जिनके नाम हैं बशीर शेख, ये भी गांव लोरन से हैं, मंडी है इनका तहसील और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है इनकी। दूसरे हैं इकबाल मोहम्मद, ये भी गांव बेलाबाला से हैं, तहसील मंडी है इनकी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं ये भी। और तीसरे मृतक जो हैं वो बशीर मोहम्मद हैं, ये भी बेलाबाला से ही हैं, जम्मू से ही। जी सर, ये लोग क्या काम करते थे यहाँ पे और कहाँ जा रहे हैं? ये सुनने में आया, अभी तो प्रारंभिक जांच चल रही है, लेकिन ये मालूम हुआ है कि ये कहीं ठेकेदार के साथ मजदूरी वगैरह करते थे। यहाँ सुबह कहीं जा रहे थे अपने काम से और यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी इनकी और मौके पे 3 लोगों की डेथ हो गई। इनको प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपये की, इनके परिजनों को जो साथ में थे, इनके रिश्तेदारी हैं, नज़दीकी रिश्तेदार, उनको हमारी तरफ से सरकार की तरफ से प्रदान कर दी गई।